नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो बड़ी लोन एप्लीकेशन से आप कैसे लोन ले सकते हैं, क्या ये ऐप रियल है या फिर फेक। मतलब ये ऐप बहुत सारे लोगों को लोन दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लोन सेंक्शन नहीं कर रहा, मतलब अप्रूव नहीं हो रहा। तो वो लोग कैसे लोन ले सकते और किन किन को लोन मिल रहा है और किसको लोन नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है, पूरी डिटेल इस वीडियो में आप देखेंगे। और बात करेंगे क्या इस एप्लीकेशन से आप भी कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक कर दो। देखिए हमारा जो नया इसी रिलेटेड एक और लेटेस्ट वीडियो है, मतलब इस एप्लीकेशन से अगर जिनका भी लोन अप्रूव नहीं होता है तो उनके लिए दूसरा एक वीडियो है जिसके वजह से कोई भी लोग एक लोन के लिए अप्लाई कर सकते और इनको लोन के लिए अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो में देखेंगे क्या कैसे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों बड़ी लोन एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर पे, उधर पर आप सर्च करना होगा बड़ी लोन। तो जैसे ही एप्लीकेशन आता है तो आपको इधर ओपन कर लेना, मतलब इसको इंस्टॉल कर लेना। तो इंस्टॉल करने के बाद जैसे नॉर्मल फिलअप आपको करना है, तो अभी मैं बताता हूँ कि इस पर बहुत सारे लोगों को लोन क्यों नहीं मिलता। मतलब वो लोग चेक करते हैं आपका क्रेडिट स्कोर, मंथली इनकम और जो आप मंथली इनकम सोर्स इधर दे रहे हैं वो सब कुछ इधर से ऑटोमेटिकली उनके पास एक मशीन होता है और पैन कार्ड नंबर जैसे आप एंटर करते हैं तो चेक हो जाता है। तो उनको लगता है कि आप उनका लोन चुका पाएंगे या नहीं, तो उसके बेसिस पे वो लोग लोन सैंक्शन करते हैं या फिर आपको लोन देते हैं या फिर नहीं देते। तो इससे क्या होगा, उनको पता चलता है अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है चुकाने के लिए तो आप बिल्कुल लोन नहीं देने वाले। तो उस बेसिस पे वो लोग बहुत सारे लोगों को लोन देते हैं और बहुत सारे लोगों को लोन नहीं देते। मतलब आपका पैन कार्ड वो लोग नंबर ले जाकर वो चेक करते हैं कि आपका बैंक में डिटेल्स, जितने भी आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं मंथली कितना रेवेन्यू आता है और क्या क्या, उन सारे डिटेल के आधार पे। तो इससे पता चलता है कि हाँ आपको लोन मिलेगा यानी, अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं जिनका पेमेंट आपके बैंक में डायरेक्ट आता है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल लोन मिलेगा। और अगर बात करें जो अभी मेरा, तो मेरा भी अभी पेमेंट YouTube से आता है तो मुझे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं इधर से लोन नहीं लेने वाला। तो जैसे नॉर्मल बंदे होते हैं जैसे घर पे काम करते कैश मिलता है उनको, बैंक में पेमेंट नहीं मिलता, तो उनको इधर से बिल्कुल ही लोन नहीं मिलेगा। और वो लोग ट्राई भी मत करना क्योंकि उधर वो लोग अप्लाई करेंगे ज़रूर लेकिन आपको लोन नहीं मिलेगा, वो लोग बिल्कुल आपको लोन नहीं देने वाला, आपका रिक्वेस्ट इधर पेंडिंग में ही रहेगा। तो अभी मैं इधर अपना पैन कार्ड डिटेल बिल्कुल फिलअप नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल पैन कार्ड है, मैं इधर क्यों फिलअप करूँ क्योंकि मुझे लोन अभी नहीं चाहिए। अगर मुझे लोन जरूरत पड़ता तो कुछ इस तरीके से अभी इधर पैन कार्ड डिटेल एंटर करने के बाद इधर जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता इधर सारे डिटेल्स फिलअप करने के लिए आ जाता है और टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके इधर सबमिट बटन पे क्लिक करते ही लोन के लिए पर रिक्वेस्ट अप्रूवल हो जाता। तो उसके बाद ऑटोमेटिक पेमेंट मेरे बैंक में आ जाता और उसके बाद मंथली एक रेवेन्यू उनको देना पड़ता, मतलब एक चार्जेस। तो चलिए दोस्तों, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से लोगों को इधर लोन मिलेगा और किस किस को लोन नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही इस वीडियो को लाइक करो। और जिन जिन लोगों को लोन नहीं मिलेगा वो लोग कौन से एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं, उनके लिए एक और वीडियो ला रहा हूँ जो कि आएगा अगले दिन। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो, आपके लिए भी वो वीडियो आ रहा है। तो थैंक्स वॉचिंग दोस्तों।